पूरी दुनिया में दोस्तों आज के दिन जितने भी ज़्यादा देश मौजूद हैं ना, वो सभी देश चाहते हैं कि आने वाले समय में वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनकर पूरी दुनिया के सामने आए, और हर देश चाहता है उसकी डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा स्पीड से हो। और इस काम के लिए दोस्तों दुनिया का हर देश काफ़ी सारी मदद लेता है अपने किसी खास पड़ोसी देश या ज़रूरत पड़ने पर उस मित्र दोस्त की काफी ज्यादा मदद भी करता है। और पिछले 10 से 12 सालों में दोस्तों हमारे इंडिया ने जितनी ज्यादा तरक्की की है उसमें कई हमारे पड़ोसी देशों का और पक्के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दोस्तों अगर हमारे पक्के दोस्त हमारी मदद ना करते तो शायद इंडिया इतना तेजी से विकास ना कर पाता। इसके लिए दोस्तों उन सभी देशों का शुक्रिया तो बनता ही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया ने ही मदद ली है, बल्कि इंडिया ने बहुत ज्यादा अपने पक्के यारों को काफी बार मदद दी भी है। तो चलिए दोस्तों आज इस वीडियो में हम दुनिया के ऐसे 10 देशों की बात करेंगे जो इंडिया के सबसे ज्यादा पक्के फ्रेंड्स यानी इंडिया के सबसे ज्यादा पक्के दोस्त है। और किसी भी मुश्किल समय में दोस्तों ये वो देश है जो इंडिया का कभी भी साथ नहीं छोड़ते और हर बार चाहते हैं कि हमारा दोस्त इंडिया बहुत ही अच्छे से आगे बढ़े। तो वीडियो को यार आखिर तक जरूर देखना क्योंकि इसमें हमारे देश के पक्के दोस्तों की बात होगी। नंबर 10 पर दोस्तों नाम आता है फ्रांस का। यूरोप में बसा हुआ दोस्तों ये देश वैसे तो अपने आईफल टावर के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है, जिसके चलते यहाँ टूरिज्म भी बहुत ही ज्यादा भरपूर मात्रा में आता है। फ्रांस हमेशा से हमारे इंडिया का बहुत ही अच्छा खासा मित्र रहा और इसने हर बार इंडिया का अच्छे तरीके से साथ दिया। और 2014 से दोस्तों जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए कार्यकाल करना शुरू किया तब से तो इसके साथ और भी ज्यादा संबंध गूढ़े हो चुके हैं। इसके अलावा फ्रांस के लोग भी दोस्तों इंडियंस को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और फ्रांस का ये भी कहना है कि इंडिया घूमने के लिए भी बड़े ही कमाल की कंट्री और खास बात तो ये है कि बड़ी सस्ती पड़ती है। नंबर 9 पर नाम आता है कनाडा का। कनाडा का दोस्तों इस लिस्ट पे नाम इसलिए है क्योंकि पंजाबी लोग कनाडा में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जिसके चलते पंजाबियों का नाम वहाँ पर दोस्तों बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। सीधा सीधा कहें तो दोस्तों इस लिस्ट में पंजाबियों के चलते ही कनाडा आ पाया है क्योंकि कैनेडियन लोग भी दोस्तों पंजाबियों को काफी ज्यादा लाइक करते हैं। और इसके अलावा जो इंडिया की बाकी स्टेट से भी लोग वहां पर गए हुए हैं उन्हें भी कैनेडियन लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और दोस्तों इसी वजह से इंडिया और कैनेडा के संबंध आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर हो सकते हैं। हालांकि आज के दिन दोनों देशों के संबंध बहुत ज्यादा परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बसे लोगों के संबंध बहुत ही ज्यादा बेस्ट हैं। नंबर 8 पर नाम आता है भूटान का। ये तो दोस्तों हमारा पक्का दोस्त है हमेशा से, हमने इस देश की कई बार मदद की है और ये भी हमारे लिए हर बार खड़ा रहता है। इस देश के साथ दोस्तों हमारी मित्रता बहुत ही ज्यादा डीपली जा चुकी है क्योंकि हमेशा से इंडिया ने हर लेवल पर हर कदम पर भूटान का पूरा साथ दिया। तो भला दोस्तों यहाँ के लोग इंडियंस को लाइक क्यों ना करें और यहाँ का पॉलिटिकल पार्टी भी इंडिया को लाइक क्यों ना करें। भूटान में दोस्तों जितनी भी ऑयल और गैसेस की नीड होती है उसकी पूरी कमी को देखते हुए इंडिया हर बार इसकी हेल्प करते हैं और इंडिया के चलते ही दोस्तों यहाँ पर काफी कुछ पहुँच पाता है। नंबर 7 पर नाम आता है USA यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज के दिन की दोस्तों ये सबसे ज्यादा पावरफुल, सबसे ज्यादा एजुकेटेड और सबसे ज्यादा डेवलप कंट्री है और हमारे लिए दोस्तों ये बड़ी कमाल की बात है कि इसके साथ भी हमारी मित्रता पिछले 5-6 सालों में काफी ज्यादा हाई लेवल पर गई है। जब भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर जाते हैं तो उन्हें दोस्तों वहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्यार मोहब्बत दी जाती है और साथ ही अगर डोनाल्ड ट्रंप भी कभी इंडिया में आते हैं तो उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यार मिलता है, जिससे ये बात हमारी समझ में आती है कि दोनों ही देशों के लोग एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। और दोस्तों अमीरों की भी बात करें तो बिल गेट्स ने भी एक बार कहा था कि इंडिया से उन्हें बेहद ज्यादा प्यार है। साथ ही दोस्तों अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए इंडियंस कितने ज्यादा जरूरी हैं आप इसी बात से समझ सकते हो कि माइक्रोसॉफ्ट में 38% भारतीय जॉब करते हैं, साथ ही IBM में 45% और मास्टर कार्ड में तकरीबन 32% इंडियंस काम करते हैं। तो दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनीज जो अमेरिका की हैं वो इंडिया के लोग ही तो चला रही हैं। और इन दोनों ही देशों ने दोस्तों सोचा है कि अगले 10 सालों के अंदर पूरी तरह से दुनिया से टेररिज्म को खत्म करना है। पिछले 3-4 सालों के आंकड़ों को देखा जाए तो ये बात सामने आई है कि अमेरिका के लोग जो इंडिया में घूमने आते थे उनका आंकड़ा दोस्तों लगातार बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा मैं क्रेडिट देना चाहूंगा YouTube को, क्योंकि YouTube के चलते दोस्तों इंडिया की जो ब्रांडिंग हुई है बड़े लेवल पर वो बहुत ही ज्यादा कमाल है और आज के दिन लोगों को पता चल रहा है अमेरिकन्स को भी कि इंडिया बहुत ही ज्यादा बढ़िया कंट्री है।
क्योंकि एक समय पर दोस्तों जो इंग्लिश मीडिया पूरी दुनिया को दिखाता था कि इंडिया सिर्फ पुअर कंट्री है, बेकार कंट्री है, लेकिन अब पूरी दुनिया के सामने ये खबर पहुंच रही है कि हाँ, यहाँ कुछ लोग गरीब हैं लेकिन ज्यादातर लोग बहुत ही हाई लेवल की जिंदगी जीते हैं। नंबर 6 पर नाम आता है नेपाल। इन दोनों देशों का दोस्तों रिश्ता आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से बेस्ट और दोनों की मित्रता किस लेवल तक पहुंच चुकी है, आप इसी बात से समझ सकते हो कि कोई भी इंडियन कभी भी नेपाल में जा सकता है, सिर्फ घूमने के लिए नहीं बल्कि वहां पर काम भी कर सकता है। जितनी देर चाहे दोस्तों वहां पर कोई भी इंडियन रुक सकता है। और वहीं अगर कोई भी नेपाली इंडिया में आना चाहे तो वो भी दोस्तों बिना किसी परेशानी के इंडिया में कभी भी पहुंच सकता है और उसे वीजा लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। साथ ही दोस्तों इन दोनों देशों का कल्चर काफी ज्यादा सिमिलर सा है। कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से इनमें दोस्तों बहुत ही हाई लेवल की सिमिलैरिटी देखने को मिलती है। नंबर 5 नाम आता है इसराइल का। इस पावरफुल कंट्री को दोस्तों भला आज के दिन कौन नहीं जानता और इनका क्या रुतबा है ये किसी को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। इंडिया के साथ दोस्तों चाहे किसी भी कंट्री का कोई भी पंगा क्यों ना पड़ जाए, लेकिन इसराइल हर हाल में हर मुसीबत में इंडिया का ही साथ देता है और इसने ये भी कहा पूरी जिंदगी हम इंडिया का ही साथ देंगे। इसराइल ने दोस्तों हर मौके पर इंडिया का हमेशा से साथ दिया है और अगर कहीं 1999 के युद्ध में 1999 की हुई उस वॉर में इंडिया का साथ इसराइल ना देता तो शायद इंडिया के लिए दोस्तों बहुत ही ज्यादा बुरी बात हो सकती थी। और जब चाइना ने दोस्तों इंडिया के खिलाफ घुसपैठ की थी तो इसराइल ने सीधा ही बयान दे दिया था कि चाइना को इंडिया के साथ टकराने से पहले भी इसराइल के साथ टकराना पड़ेगा। दोस्तों ये बयान ही बताते हैं कि इन दोनों देशों की मित्रता यार कितनी बढ़िया है। नंबर 4 पर नाम आता है अफगानिस्तान। आज के दिन दोस्तों यहाँ के लोगों का लाइफ स्टाइल और रहन सहन बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है, लेकिन देखिए दोस्तों इंडिया कितना महान है, उन्होंने यहाँ के लोगों को अपने देश में बुला लिया और रहने का पूरा मौका दिया। आज के दिन बहुत सारे अफगानी लोग इंडिया में आकर बसे हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को होम ग्राउंड के तौर पर भी इंडियन ग्राउंड्स को यूज करने का पूरा मौका दिया जाता है और अफगानिस्तान अपने सभी होम मैचेस इंडिया में ही प्ले करती है। नंबर 3 पर नाम आता है जापान का। दोस्तों इंडिया के पक्के यारों की बात और जापान उसमें ना आए ऐसा भला कैसे हो सकता है। इन दोनों ही देशों की दोस्ती के बारे में दोस्तों क्या ही कहने, हालात चाहे अच्छे हों बुरे हों किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना तो ये पता है कि अपनी दोस्ती निभानी है। जापान दोस्तों इंडिया का दोस्त आज से नहीं बल्कि उस समय से है जब इंडिया गुलाम था और अभी आजाद भी नहीं हुआ था, और आजादी के समय भी दोस्तों जापान वो देश था जिसने हर कदम पर इंडिया का पूरा साथ दिया, क्योंकि उस समय जापान का पूरा साथ था सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के लिए। और जापान ने हमेशा से यही बात कही है कि अगर इंडिया का किसी के साथ भी युद्ध होगा तो हम इंडिया का ही साथ देंगे, क्योंकि हमें पता है यार इंडिया कभी भी किसी के साथ बुरा तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों यह बयान ही बताता है इन दोनों की पक्की कूड़ी मित्रता को। इसके अलावा आज के दिन दोस्तों इंडिया की डेवलपमेंट में भी जापान ही हमारा सबसे ज्यादा साथ दे रहा है। इंडिया में जो बुलेट ट्रेन जल्दी ही आएगी वो भी जापान ही बना रहा है। नंबर 2 पर आता है सिंगापुर। एशिया में दोस्तों बसी हुई ये कंट्री को आज के दिन भला कौन नहीं जानता। दोस्तों ये कंट्री तो एशिया की बहुत बड़े तरीके से शान है, चाहे स्टडी की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, या फिर अमीरी की बात ही क्यों ना हो, हर जगह ये कंट्री अपने झंडे गाड़ती है। दोस्तों इंडिया की बड़ी सिटीज की कंस्ट्रक्शन में या फिर उन्हें आगे ले जाने में हमेशा इंडिया की मदद की है सिंगापुर ने, और आज के दिन में इंडिया की सिटीज को डेवलप करने का पूरा जिम्मा दोस्तों सिंगापुर के ऊपर ही, और आने वाले 2035 तक सिंगापुर इंडिया कई सारे प्रोजेक्ट्स एक साथ कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं दोस्तों इन दोनों ही देशों की दोस्ती बहुत ही अच्छी रहे। साथ ही दोस्तों सिंगापुर में घूमने के लिए इंडियंस के लिए टूरिस्ट वीजा लेना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं, और जब चाहे दोस्तों आप सिंगापुर में बड़ी ही आसानी से घूमने का मजा भी ले ही सकते हो। नंबर 1 पर दोस्तों नाम आता है रशिया का। इससे दोस्तों ज्यादा पक्का मित्र इंडिया को शायद आने वाले 100 सालों में कभी नहीं मिलेगा। इसने दोस्तों ऐसे ऐसे बुरे समय में हमारा साथ दिया है ना कि अगर कोई भूल जाए तो वो तो यार बेवफाई होगी। 1971 के युद्ध में दोस्तों रशिया ने उस समय हमारे इंडिया का साथ दिया था जब दुनिया के सारे ही डेवलप और बड़े देश इंडिया को घेरने की फिराक में थे, और सभी देशों ने प्लान किया था कि क्यों ना इस बार इंडिया को ही दबोच लिया जाए, लेकिन दोस्तों वहीं एक पक्का यार निकल ही आया रशिया। और इस देश ने दोस्तों पूरी दुनिया को धमकी देते हुए कहा था कि अगर इंडिया पर किसी ने हमला किया तो रशिया पर भी करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद रशिया आपको
पूरी तरह से बर्बाद करेगा। ये तो आप सभी जानते हैं कि रशिया एक बेहद ही ज्यादा पावरफुल कंट्री है, लेकिन दोस्तों बाकी पावरफुल कंट्रीज की तरह इसने अपनी मित्रता के बीच में कभी दिखावे को आने ही नहीं दी और हर बार जरूरत पड़ने पर बिना कुछ बोले इंडिया का ही साथ दिया। आप मुझे नीचे दोस्तों कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इंडिया के कौन से वो तीन देश हैं जो सबसे पक्के हैं और अगले 100 सालों तक भी इनसे ज्यादा बेस्ट कोई पक्का यार हमें मिल ही नहीं सकता। और ऐसी कमाल वीडियोस डेली देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी प्रेस कीजिए।